हम देखेंगे रिमोट कंट्रोल एंड पायलट कोर प्रोटेक्शन। जो भी आपके अंडरग्राउंड में हम पोर्टेबल और ट्रांसपोर्टेबल एपरेटस इस्तेमाल करते हैं वो रिमोट कंट्रोल विद पायलट कोर प्रोटेक्शन से ही ऑपरेट होते हैं। हम आप लोग को रेगुलेशन बता रहे थे पोर्टेबल एंड ट्रांसपोर्टेबल एपरेटस का, उसमें आप लोगों को हम बताए थे, क्या बताए थे, ऑल पोर्टेबल एंड ट्रांसपोर्टेबल एपरेटस यूज्ड इन अंडरग्राउंड माइन शैल बी ऑपरेट ऑन रिमोट कंट्रोल फ्रॉम कंसर्न स्विच विथ पायलट कोर प्रोटेक्शन। ये बताए थे कि जो भी अंडरग्राउंड में मशीन इस्तेमाल आ रहा है वो पायलट कोर प्रोटेक्शन से ही ऑपरेट होकर रिमोट कंट्रोल के थ्रू, वो कहां से, स्विच गियर से, वो कैसे काम करता है, उसका ऑपरेशन कैसे होता है, एडवांटेज क्या है, क्यों हम लगाते हैं, पहले तो ये सिस्टम लगाते क्यों है। इसलिए लगाते हैं कि अंडरग्राउंड कोल माइंस में इनफ्लेमेबल गैस मिलने की संभावना रहती है, और जब ये कोई भी इलेक्ट्रिकल मशीन को हम स्विच ऑन या स्विच ऑफ करते हैं उस समय हेवी स्पार्किंग होता है। यदि स्पार्किंग हो रहा है हेवी और यदि उस एटमॉस्फेयर में इन्फ्लेमेबल गैस है तो इन्फ्लेमेबल गैस का क्या हो सकता है, एक्सप्लोजन हो सकता है और ये फेसेस पे ज्यादा मिलने की संभावना रहेगी। और यदि आपका जो मशीन का स्विच है यदि उसको सेफ प्लेस में रख दे तो वहां पर मीथेन मिलने की संभावना जीरो हो जाएगी। सिर्फ आपका वेल वेंटिलेटेड प्लेस में हम स्विच गियर को रख दे तो स्विच गियर ऑन और ऑफ कहां होगा, सेफ प्लेस में होगा, तो मीथेन का जो एक्सप्लोजन की संभावना बनती है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, और इस सिस्टम का और एक बहुत बड़ा फायदा हम बताएंगे आगे चल के। देखिए हम पावर कैसे सप्लाई करते हैं, बाद में ये सिस्टम को हम समझाएंगे। देखिए हमारा अंडरग्राउंड सब स्टेशन होता है, इस अंडरग्राउंड सब स्टेशन से पावर केबल मतलब आपका आर्मर्ड केबल के थ्रू इस गेटन बॉक्स में, गेटन बॉक्स क्या है, स्विच गियर है, गेटन बॉक्स क्या होता है, स्विच गियर होता है, इस स्विच गियर में पावर आया, इस ये इनकमिंग पावर हो गया, इससे आउटगोइंग पावर किसके थ्रू जा रहा, फ्लेक्सिबल केबल या इसको ट्रेलिंग केबल भी बोलते हैं, टेक्निकल नाम फ्लेक्सिबल केबल है। आप सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन 2010 को उठा के देखिएगा, वहां फ्लेक्सिबल केबल लिखा है। ट्रेलिंग केबल क्या बोलता है, मशीन के पीछे पीछे था ट्रेल करता है, पीछे पीछे चलता है, इसलिए ट्रेलिंग केबल बोल देते हैं, लेकिन फ्लेक्सिबल केबल है। और इस फ्लेक्सिबल केबल के थ्रू आपका जो भी पोर्टेबल या ट्रांसपोर्टेबल एपरेटस होगा उसको पावर मिलेगा। हम यहाँ एग्जाम्पल के लिए एसडीएल ले लिए, इसका मतलब सिर्फ एसडीएल को जाता है ऐसा नहीं है, एसडीएल एलएसडी कंटिन्यूस माइनर आपका सीआरआर प्लाउ कोई भी हो सकता है, या आपका ऑक्सिलरी फैन है, बूस्टर फैन है, फेस पंप है या मेन पंप है आपका, कोई भी हो सकता है ये एपरेटस। हम यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए एसडीएल ले लिए क्योंकि एसडीएल बोलने से आपको जल्दी दंड से दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, तो एसडीएल ले लिए। ए फ्लेक्सिबल केबल जो होता है 5 कोर होता है, कितना होता है, 5 कोर रहता है इसमें, ये 5 कोर में से 3 पावर कोर रहता है, 1 पायलट कोर रहता है और 1 अर्थ कोर रहता है, 5, 3, 1, 4, 1, 5 हो गया 5 कोर। देखिए यहाँ पे वही 5 कोर दिखा है, ये 1, 2, 3, ये देखो तीनों क्या दिखा है, पावर कोर सब फ्लेक्सिबल केबल, ये 3 पावर कोर हो गए, ये क्या दिखाया अर्थ कोर, ये क्या दिखाया पायलट कोर, तो 5 कोर हो गए। तो ये जो केबल यहां से निकला उसमें ये 5 कोर है, समझ आ रहा है ना, ये जो केबल है फ्लेक्सिबल केबल उसी के 5 कोर को यहां दिखाया है, बहुत बड़ा चीज नहीं दिखाया है, हम इसीलिए ऐसा बना दिया था कि समझा सके कि देखिए ये वाला जो केबल है फ्लेक्सिबल केबल इसी के ये 5 कोर, ये पायलट कोर, अर्थ कोर और ये 3 पावर कोर। ठीक है, इतना क्लियर। और ये जो आपका पावर केबल है आर्मोर्ड केबल, उस
उसके लिए तीन पावर कोर दिखा दिए, देखिए यहां लिखा है 1 2 3, ये तीनों क्या क्या दिखाया, पावर कोर्स आप आर्मर्ड केबल या केबल भर आप लिख सकते हैं, ठीक है। और ये सोलेनॉइड है। अब क्या होता है, ये कैसे काम करता है सिस्टम, ये जो आपका पोर्टेबल या ट्रांसपोर्टेबल एपरेटस होता है इसमें एक पायलट स्विच होता है। क्या होता है इस एपरेटस में, पायलट स्विच। जैसे ही पायलट स्विच को ऑन कीजिएगा तो ये जो आपका पायलट सर्किट है, इस पायलट सर्किट को 12 वोल्ट मिल जाता है, कहां से, स्विच गियर से। आप ये समझ लीजिएगा, इतना जो है ये सब तो आपका एक ठुल ये वाला केबल है, ये 1 2 3 4 5 लाइन जो हमने दिखाया वो ये वाला केबल है, और ये वाला जो पोर्शन है ये आपका ये वाला गेट एंड बॉक्स है। देखिए ये वाला क्या हो गया आपका गेट एंड बॉक्स, ये वाला सब पोर्शन क्या हुआ गेट एंड बॉक्स का हुआ। ये वाला केबल जो है उसको ये ऊपर से दिखाया, ये जो बाहर निकला उससे 5 कोर बाहर निकले, मतलब आपका गेट एंड बॉक्स यहाँ है। देखिए यहाँ पिक फिगर में है कि नहीं, ये गेट एंड बॉक्स है, गेट एंड बॉक्स से एक केबल इधर निकला और एक एक केबल पावर केबल आया, तो ये पावर केबल आया, ये बाहर निकलने वाला केबल हो गया, और ये आपका क्या है स्विच गियर या गेट एंड बॉक्स। इतना समझ आया। तो जैसे ही ये मशीन का ऑपरेटर पायलट स्विच को ऑन करेगा तो इस पायलट सर्किट को क्या मिल जाएगा 12 वोल्ट मिल जाएगा, और ये 12 वोल्ट मिलने से ये सोलेनाइड क्या हो जाएगा इनर्जाइज्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा इनर्जाइज्ड हो जाएगा। देखिए हम ये आरा डंडा टाइप का दिखाई, इसको लिखा है प्लंजर, तो ये क्या करेगा प्लंजर को खींच लेगा, क्या करेगा प्लंजर को खींच लेगा, तो ये पावर केबल और ये वाला जो आपका फ्लेक्सल केबल है उसका कनेक्शन क्या हो जाएगा कनेक्शन बन जाएगा। कनेक्शन बन गया मतलब क्या हो गया आपका स्विच ऑन हो गया। अब स्विच ऑन हो गया, ये दोनों मिल गया, कनेक्शन हो गया, तो इस पावर केबल से ये जो ये पावर केबल है जिसको यहां 5 लाइन में दिखाए हैं कोर अलग अलग दिखाने के लिए, इससे क्या हुआ इस मशीन में पावर चले गया, पावर पावर जाने से आपका मशीन स्टार्ट हो गया, ठीक है मशीन स्टार्ट हो गया। अब जब ऑपरेटर को काम नहीं है मशीन का तो क्या करेगा पायलट स्विच को ऑफ कर देगा। जैसे ही पायलट स्विच को ऑफ करेगा तो ये सर्किट को जो 12 वोल्ट गेट एंड बॉक्स से मिलता था वो नहीं मिलेगा, और ये सोलेनाइड क्या हो जाएगा डी इनर्जाइज हो जाएगा। डी इनर्जाइज होने से ये जो आपको एक स्प्रिंग दिखाया यहाँ पे, ये स्प्रिंग क्या करेगा प्लंजर को खींच देगा, खींच देगा तो कनेक्शन अभी जैसे दूर दूर में हम दिखाए हैं उस पोजीशन में आ जाएगा, और इस पावर फ्लेक्सिबल केबल से पावर नहीं गुजरेगा या पावर इसमें नहीं रहेगा, ये डेड हो जाएगा। क्या रहेगा डेड, डेड मतलब जिसमें इलेक्ट्रिकल चार्ज जीरो रहे उसको डेड बोलते हैं, ये डेड हो गया। तो डेड है मतलब मेरा मशीन बंद है। देखिए एडवांटेज में हम लिखे हैं व्हेन द मशीन इज ऑफ देयर इज नो पावर इन द केबल, यदि मशीन बंद है तो इसमें क्या है पावर नहीं है तो सेफ है, कोई मैकेनिकल इंजरी हो गया तो उससे स्पार्किंग नहीं होगा, करंट लगने की संभावना नहीं रहेगी, कहीं से लीक फिक करता है तो ये हुआ। तो इतना समझ आया, इसमें कोई बड़ा दिक्कत है, इसको समझने में कोई दिक्कत है। और एक एडवांटेज ये बताया था कि मेन स्विच जो है आपका ये गेट एंड बॉक्स कहां पे है वेल वेंटिलेटेड प्लेस में, इसमें जो कनेक्शन हो रहा है ऑन और ऑफ का वो कहां हो रहा है सेफ प्लेस में हो रहा है, सेफ प्लेस में हो रहा है तो एक गैस एक्सप्लोजन के चांसेस कम हो जाते हैं। द मेन स्विच इज मेड ऑन और ऑफ एट सेफ प्लेस अवे फ्रॉम द फेस हेंस नो चांस ऑफ एक्सप्लोजन। यदि इतना डायग्राम को आप समझ लीजिएगा तो रिमोट कंट्रोल एंड पायलट कोर प्रोटेक्शन आपको समझ आ जाएगा मेरे हिसाब से।